फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G34 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ पोको का पॉपुलर स्मार्टफोन पोको X5, इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 9000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 9000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर भी परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे ही, क्योंकि एक तरफ पोको का X5 और दूसरी तरफ मोटो G34 5G, इन दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मोटो G34 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 9000 रुपीस कम खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को मोटो G34 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ पोको के X5 में 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G में 6.5 इंच की सिर्फ HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अपने अपने प्राइस में देखा जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कम से कम प्राइस में भी आप लोगों को मोटो G34 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए, तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर सेल्फी के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G34 5G, क्योंकि मोटो G34 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X5 में सिर्फ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग कम पैसे खर्च करके मोटो G34 5G को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए, तो कम प्राइस होने के बावजूद भी डॉल्बी एटमॉस आप लोगों को मोटो G34 5G में देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको के X5 में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए, तो प्राइस में इतना डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए, तो एक तरफ पोको के X5 में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G में भी 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी डिस्प्ले की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 9000 रुपीस कम खर्च करके मोटो G34 5G को ही बाय करें।